एग्जाम ठीक है, अभी मैं नहीं बता सकती ना, अभी उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। टाइम थोड़ा सा इशू आया क्योंकि फर्स्ट पेपर था, तो थोड़ा सा एनजाइटी भी थी, थोड़ा सा ऐसे में थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का इशू हुआ, बट अभी ये वाले GS1 GS2 में ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहली तो एनजाइटी जो होती है, पहले आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा सेकेंड सेकेंड अटेम्प्ट है। तो नई जो एस्पिरेंट्स हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, एग्जाम हॉल में वो लोग बैठे हैं? नए एस्पिरेंट्स को जस्ट हैव फेथ। आपको पता नहीं है कि UPSC को क्या पसंद आएगा क्या नहीं पसंद आएगा। जस्ट हैव फेथ इन प्रोसेस, हैव फेथ इन योर सेल्फ। आपकी प्रिपरेशन पे फेथ रखो, होपफुली हो जाएगा। किस किस पोर्शन से क्वेश्चंस आए थे? क्वेश्चन करंट बेस्ड थे मोस्टली, लाइक वन नेशन वन इलेक्शन था वो करंट बेस्ड था, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, मतलब काफ़ी करंट पे बेस्ड थे। तैयारी कैसे कर रहे हैं आप? तैयारी मीनिंग मतलब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप कोचिंग से या गाइडेंस से? मेरे को बहुत टाइम हो गया प्रिपरेशन करते हुए, तो अब सेल्फ स्टडी है अभी तो। सेल्फ स्टडी। अच्छा, कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे अपकमिंग एस्पिरेंट्स को या आंसर राइटिंग के लिए, किस तरह से करनी चाहिए, स्ट्रक्चर कैसे बनाना चाहिए? स्ट्रक्चर बेसिकली, सो एक्चुअली आजकल मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है कि आपको कमेंट करना है, तो उसमें मतलब व्हाट व्हाई हाउ अप्रोच इट वर्क्स, कि क्या उन्होंने पूछा है एंड उसका क्या इम्प्लीकेशन है, क्यों पूछा है, क्या रीजंस हैं एंड हाउ उसको कैसे बेटर किया जा सकता है, क्या वे फॉरवर्ड है। आई थिंक उस वो स्ट्रक्चरिंग में हेल्प करता है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन मेरा है। सबसे पहले तो एग्ज़ाम आप दिख कर आ रहे हैं और आंसर राइटिंग है, तो और करेंट से भी क्वेश्चंस आए थे, तो आपने टाइम को किस तरह से डिवाइड किया, क्या क्या तरीका क्या है टाइम? टाइम मैंने पहले 15 मार्कर्स अटेम्प्ट किए, उसमें 11 मिनट्स ईच एंड उसके बाद 10 मार्कर्स अटेम्प्ट किए, उसमें 7 मिनट्स ईच, इस तरीके से। क्या सर आपका एग्ज़ाम? सही था। इस बार GS2 का क्वेश्चंस टफ था थोड़ा, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम थे, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे, तो उसको समझ के ये करने में मैंने पूरा आंसर तो कर दिया, बट क्वालिटी थोड़ा उससे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, और दूसरा मेंस है। मेंस दूसरा है, तो पहले भी आपने मेंस दिया है, तो अगर कंपेयर करना चाहूँ मैं तो इस बार कैसा था, थोड़ा सा मुश्किल था या थोड़ा आसान आपको लगा? लास्ट ईयर से टफ था पेपर, टफ था एग्ज़ाम। किस पॉलिटी से किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और IR से किस तरह के क्वेश्चंस? मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे पॉलिटी से, और IR से मतलब जो लग रहा था कि प्रोबेबल क्वेश्चंस होगा, वैसे IR का क्वेश्चंस पिछला बार भी इस तरह ही आया था, जो प्रोबेबल नहीं लग रहा था वही आया था, तो IR का तो अनएक्सपेक्टेड था, मतलब आते थे चीज़ें लेकिन उसके रिलेटेड 15 मार्क्स का लिखना इट वाज द टफ थिंग। दोस्तों, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं और UPSC सिविल सर्विसेज को लेके अगर थोड़ी सी भी थॉट प्रोसेस आपकी अच्छी है, तो दोस्तों कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे UPSC की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस बंदा हो, कोई ऐसा गाइड करने वाला हो जो आपको सही गलत बता सके। UPSC में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़े, क्योंकि पूरी सिलेबस आप कंप्लीट करोगे तो काफ़ी वक्त लगेगा, तो इस वक्त होना है आपको स्मार्ट, चतुर और चालाक। तो दोस्तों, ये स्मार्टनेस कैसी आएगी? सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे गाइडेंस के अंदर जो आपको ये टूल्स और टेक्निक्स बता सके। दोस्तों, मैं एक ऐसे मेंटोर के बारे में बता रहा हूँ, पिछले कई सालों से ओल्ड राइम में मेंटरशिप दे रहे हैं, और इनकी मेंटरशिप में कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने UPSC क्रैक की है। मैं बात कर रहा हूँ IAS मेंटरशिप प्रोग्राम बाय रियासत अली सर, जो आपके एक सिंगल क्लिक में मौजूद है और आपको 1-to-1 मेंटरशिप देंगे, वो सारी टूल्स टेक्निक बताएंगे जो UPSC आपको क्रैक कर सकता है। यहाँ पर GS की बात करें, SC की बात करें, CSET की बात करें, हर एक चीज़ एंड टू एंड बताई जाएगी सर, एक सिंगल क्लिक में आपके लिए मौजूद है। आप हिंदुस्तान किसी कोने में हो, आप घर बैठे प्रिपरेशन कीजिए इनकी गाइडेंस में, यहाँ पे वो सारी चीज़ मिलने वाली है जिसकी रिक्वायरमेंट है। अगर दोस्तों आप इनकी मेंटरशिप में आना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करें और आज ही IAS मेंटरशिप प्रोग्राम रियासत अली को ज्वाइन करें। अच्छा, अपनी तैयारी कैसे की थी, किन सोर्सेज को आपने फॉलो किया था? मेनली सोर्सेज तो मैंने कोचिंग की थी, तो मैंने वो जो नोट्स बनाया था उसको किया था, और स्टैंडर्ड बुक जो सब रेफर करते हैं उसी को रेफर किया था। आंसर राइटिंग थोड़ा सा टफ काम है, तो इसे आपने कैसे टाइम के साथ कैसे मैनेज किया, और पहली बार जब आपने आंसर राइटिंग की थी तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा था, और टाइम के साथ कैसे आपने इम्प्रूव किया? पहली बार आंसर राइटिंग तो बहुत टफ होता है, अगर जैसे बोलें कि 10 मार्कर लिखने में हाफ एन आवर लग जाते हैं, तो लेकिन वो स्टेज से सबको गुजरना होता है, मतलब अगर वो स्टेज से हम लोग नहीं गुजरेंगे तो ये पेस नहीं आ पाएगा, बहुत लोग गिवअप कर देते हैं, तो उस स्टेज पर गिवअप नहीं करना चाहिए, मेरा यही टिप्स रहेगा। तो टाइम तो नहीं कम पड़ा? नहीं, कंप्लीट तो कर लिया मैंने पेपर। बिल्कुल,
और कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, अनएक्सपेक्टेड पार्ट था जो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये आ गया, ऐसा कुछ था? अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कुछ थे, मतलब टॉपिक पता था लेकिन उससे जो क्वेश्चंस पूछा हुआ था वो टफ था। जैसे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स पे क्वेश्चन आया था, मतलब बहुत सारे और टॉपिक्स थे जिसे पूछा आ सकता था, तो थोड़ा टैकल करना ईजी था, टफ था। पेपर वन रिलेटिवली पेपर टू से इस बार ईजी था, पेपर वन में डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। अच्छा, जो अपकमिंग हमारे एस्पिरेंट्स से मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उनके लिए आप कोई टिप्स देना चाहेंगे कि एग्ज़ाम मीन्स कैसे लिखना चाहिए, एग्ज़ाम में कैसे तैयारी करनी चाहिए किसी भी तरह? एग्ज़ाम के बाद मतलब ये टिप्स देना चाहूँगा कि मतलब कंटिन्यूस प्रिपरेशन होना चाहिए, मतलब इट्स अ प्रिपरेशन की रेगुलर होता है, ये नहीं कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले। पहला मीन्स है किस पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे और कहाँ से ऐसा लगा कि अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल क्वेश्चन आ गए? GS2 में या GS1 में? GS2। अभी GS2 में क्वेश्चन आई थिंक पॉलिटिक गवर्नेंस का ज़्यादा वेटेज था, IR में उतना क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं था, एक दो टर्म्स ऐसे थे जो लाइक ऐसे सुने सुने नहीं लग रहे थे, बट वो ऐसा था कि डिकोड करके आप उस पहुँच सकते हो, लाइक यू कैन राइट समथिंग ऑन इट। और ऐसे आता है हर साल एक दो क्वेश्चन जो जिसमें मतलब ऐसे सुना सुना सा नहीं रहेगा, बट वी कैन अराइव ऑन द। अच्छा, इसके अलावा IR से किस तरह के क्वेश्चन थे? IR से क्वेश्चन थे, एक तो इंडिया मालदीव का रिलेशन था, बहुत मतलब काफ़ी हाईलाइटेड भी था न्यूज़ में, तो वी वर एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन इट, वो आया भी। इंडिया का रोल एज अ ग्लोबल साउथ, ठीक है, जैसे एशिया में जो इमर्ज हो रहा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ, उस पर एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन और आया था टेररिज्म पे, उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का CTC का क्या रोल है, ये एक्चुअली UNSC का हम लोग मतलब मैं तो नहीं पढ़ा था, आई डोंट नो अबाउट अदर कैंडिडेट्स। जैसे अलग अलग चीज़ें SCO का रैट्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं या फिर FATF के बारे में पढ़ते हैं, बट ये एक थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था टेररिज्म तो मतलब, बट हाँ फिर भाई लिंकेज करके लिखना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा जैसे हमारा सोशल जस्टिस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, किस तरह के क्वेश्चन थे? पॉलिटी से अच्छे क्वेश्चंस थे, लाइक कुछ कुछ क्वेश्चन जो लाइक ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आए, जैसे 106th अमेंडमेंट अभी हुआ है, नारी शक्ति वंदना अधिनियम, वो सब पे ज़्यादा मतलब ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आया, बट क्वेश्चन अच्छे थे, मतलब थोड़े लेंदी थे इन कंपेरिजन टू GS1, बट मुझे भी देखना पड़ेगा, अभी जस्ट निकला हूँ ना तो एक ऐसे हम लोग एकदम रिव्यू ले रहे हैं स्टूडेंट्स के कि क्या उनका एक्सपीरियंस रहा। नहीं होता ना कि क्या, वहाँ पे सोचने का टाइम भी नहीं मिलता, वहाँ तो बस पेन चलाना है, जो दिमाग में आ रहा है बस लिखते जाओ। अच्छा, टाइम को आपने कैसे मैनेज किया? जैसे बहुत हैक्टिक हो जाता है, इतने सारे ऐसे लिखना, अभी इतने बाकी हैं, इतने लिखने हैं, मतलब अभी तो ऐसा फील हो रहा है कि बस जाके या तो बर्फ़ में हाथ डाल लूँ या कुछ कर लूँ, बट एक चीज़ जो मैंने फील किया है कि हो जाता है, ठीक है, मतलब ऐसा कभी ये फील नहीं हुआ था कि सब चैलेंजिंग था। इससे पहले मॉक्स दिया था उसमें क्वेश्चन छूट रहे थे, लेकिन जब प्रेशर होता है ना तो वो आ जाता है, मतलब आज भी ऐसा हो रहा था कि एक तो इफेक्टिव टाइम यूटिलाइजेशन के लिए कि आप हर आधे घंटे में अपना चेक करते रहो, जो भी आपने टारगेट सेट कर रखा है कि मैंने 4 क्वेश्चन कर लिए कि नहीं, 8 क्वेश्चन कर लिए कि नहीं, तो वो चीज़ तो मैं फॉलो कर रहा था, फिर भी 2 घंटे के अराउंड मैं एक क्वेश्चन ऐसे पीछे चल रहा था, तो फिर वो है कि आप खींचते हो थोड़ा, कभी कहीं कहीं मतलब शॉर्ट, मतलब उतना आप, जैसे आप मुझे 6 क्वेश्चन करने हैं, टाइम 5 मिनट का, आधा घंटा बच रहा है या 40 मिनट बच रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी, थोड़ा हैंडराइटिंग ख़राब हो गई, यही सब करके, बट एट द एंड क्वेश्चन तो मतलब पेपर तो कंप्लीट करना ही है। लास्ट क्वेश्चन मेरा है, आपने तैयारी कैसे की थी? हाँ नहीं, तैयारी मेरी कम्प्लीटली सेल्फ स्टडी ओरिएंटेड ही रही, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए मैंने खुद से ही पढ़ा, मतलब मैं ओपन मॉक्स वगैरह देता था, आफ्टर प्रीलिम्स मैं मतलब आंसर राइटिंग कर रहा था, मैंने शून्या में और इनसाइट्स में आंसर राइटिंग की है, एंड उसके अलावा बाकी सारा सेल्फ सेंटर्ड ही है, PYQs देखे, PYQs को यूटिलाइज किया है अच्छे से। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन थे? फर्स्ट पेपर में तो सोसाइटी का पार्ट थोड़ा ज़्यादा था, बाकी ये दूसरा पेपर बैलेंस्ड था, कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा किसी से आया हो या कम आया हो। अच्छा, पॉलिटी से किस तरह के क्वेश्चन? पॉलिटी से फंडामेंटल क्वेश्चन थे, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन थे, गवर्नेंस के कुछ, ई गवर्नेंस के क्वेश्चन थे, तो ओवरऑल एज एक्सपेक्टेड जैसा सिलेबस है वैसा ही पेपर आया था। अच्छा, इसके अलावा जैसे ऐसे राइटिंग में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो टाइम कैसे मैनेज किया? ऐसे राइटिंग में तो एज सच टाइम की उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ऐसे राइटिंग में तो हमें 1000 से 1200 तक लिखना होता है। टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है GS के पेपर्स में, क्योंकि इसमें हमें 4000 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, तो सबसे स्पीड सबसे ज़रूरी है, उसके लिए है कि आप प्रैक्टिस करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दे सकें तो उससे बेनिफिट होता है।
बाकी एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस कैसा था? कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट है, तो आपने पिछले साल के भी एग्ज़ाम्स देखे होंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे होंगे। अगर आप रेट करना चाहें तो ये थोड़ा सा मुश्किल था या थोड़ा सा ईजी आपको लगा? ईजी था पेपर, लास्ट टू ईयर्स से मतलब मॉडरेट लेवल का पेपर था, ये नहीं कह सकते कि टफ था। मॉडरेट एग्ज़ाम, तो तैयारी किससे कर रहे हैं आप? मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ। सेल्फ स्टडी से,